हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक बार से फिर से आपके अपने चैनल पर। आज मैं आपको स्टोन आर्ट के बारे में वीडियो लेके आई हूँ। उसमें मैं बताऊंगी कि स्टोन आर्ट से आप कैसे अपने गार्डन को डेकोरेट कर। तो यहाँ पे मैंने कुछ पत्थर ले लिए हैं, उसमें से अब मैंने जो ये एक दो पत्थर हैं, इन दो दो का मैं सेट बनाऊंगी जोड़ा, और इस पर मैं एक बर्ड और एक ट्री पेड़ का लुक देने वाली हूँ। जैसे कि एक डंडी पर बर्ड बैठी हुई है, तो आप देखते जाइए। इस पे मैंने एक वाइट कलर कर लिया है, एक्रेलिक कलर का मैं यूज़ कर रही हूँ, और आगे मैं इसका फाइनल लुक आपको दे रही हूँ। देखिए आप आगे फ्रेंड्स, दो का ही पत्थर का जोड़ा है, उस पर मैं रेड कलर से, आप देखिए उसका फाइनल लुक क्या बन रहा है। छोटे छोटे जो क्रिएटिविटी अपन करते हैं वो काफ़ी सुंदर लगती है गार्डन में। तो फ्रेंड्स देखिए, इस तरह आगे जो है ये स्टोन आर्ट मैंने जैसे कि दो दो का सेट बनाया है, तो ये पूरे जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं और इस तरीके के बन गए हैं। अब आगे मैं आपको इसका फाइनल भी बताऊंगी प्लांट में रख के कि ये किस तरीके के लग रहे हैं, तो आप वो भी देखिए। देख सकते हैं फ्रेंड, तो इस तरीके से कितना अच्छा लुक दिखता है। अगर ये एक ऐसे ही स्टोन था, अपन ने इसको एक क्रिएटिविटी करी और एक अलग लुक दिया, तो इससे ये कितना सुंदर लग बन गया और कितने ही अच्छे ये लग रहे हैं। और अपन गार्डन में डेकोरेटिव करेंगे इसका तो और भी अच्छा लुक आता है। देखिए, तो अब आप देख सकते हैं कि मैंने ये गार्डन में रख दिया है अपने, जैसे कि गमलों के नीचे, या ट्रे गार्डनिंग अपन कर रहे हैं तो ट्रे गार्डनिंग में भी नीचे कहीं पर भी अपन इसको रख सकते हैं। तो मैंने अभी इस तरीके से जमाया है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा है और एक अलग ही लुक दे रहा है ये। तो इस तरीके से आप गार्डन में कई चीज़ें बना सकते हैं डेकोरेटिव आइटम, जो कि बहुत ही सुंदर लुक देता है। फ्रेंड्स आज एक चीज़ और बनाई है मैंने अपने गार्डन में, ये देख सकते हैं आप, गोल वायर का, और उस पर मैंने ये जो सूत का धागा होता है ये लपेट दिया है रस्सी, और इस पर मैंने अपराजिता लगाई है। अपराजिता को मैं इस पर गोल वो करूँगी, शेप दूंगी, इसमें ब्लूमिंग होएगी, और जब ये इस पर साथ लग जाएगी अपराजिता तो बहुत ही सुंदर लगेगा। तो इस तरीके का आप वेस्ट मटेरियल आइडिया भी आप बना सकते हैं, आउट ऑफ वेस्ट जो है ये चीज़। और ये तो फ्रेंड्स मेरा कुल्हड़ आइडिया है, जो कि मैंने पहले बनाया था, इसका मैंने शॉट भी डाल रखा है। आप देख सकते हैं कि मैंने ये किस तरीके से बनाया है। नीचे मैंने इसमें अपने बैल जो घंटी है उसका भी प्रयोग किया है, मेरे पास घंटी थी। और ये दिए हैं अपने दिवाली के, और ये कुल्हड़ हैं जो अपने छाछ या चाय के लिए यूज में आते हैं, लस्सी के लिए वो हैं, और ये मोती हैं, और ये सूत का रस्सी जो है वो है। ये इस तरीके का आप यूज़ कर सकते हैं, एक वेस्ट ऑफ है ये कबाड़। आगे फ्रेंड्स मेरे पास, मैंने ये कुछ समय पहले बनाया था, इसका भी मैंने सोचा कि इकट्ठा इसमें डाल दूं। इसमें ये जो है दो स्टोन थे, इनका मैंने पेंगुइन बनाया है, और एक मैंने हाउस क्रिएट किया है जिसमें कि एक ट्री रखा है, ट्री के नीचे हाउस है, इस तरीके से मैंने इसे बनाया है। तो ये दोनों भी, और ये पेंगुइन तो इतना सुंदर लग रहा था, मैंने रखा भी और मैंने कई इसके शॉट भी डाले, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका लुक आ रहा है। तो इस तरीके से आप भी बना सकते हैं। और जो हाउस है उसका भी बहुत अच्छा आ रहा है, हाउस का यूज़ मैंने ट्रे गार्डनिंग में किया हुआ है, और अभी मेरी ट्रे गार्डनिंग वो बनी नहीं है। जब मेरी ट्रे गार्डनिंग अच्छी तरीके से ग्रीन हो जाएगी, सब कुछ बन जाएगा।